जल्दी जल्दी बोलो। पढ़ाई। पढ़ाई आएगा, मुझे लगता है ऊ आएगा। नहीं, आएगा। ओके तो चलो ई भी आ गया, बड़ा वाला ई भी आ गया, दिखाई दे रहा है सबको? यस और नो? यस। ओके इसके बाद कौन सा स्वर आएगा बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 बताओ। यस आप भी बोलो घर पे। कौन सा चलो बताओ बताओ बताओ। यस छोटा वाला उ है ना, छोटा वाला उ आएगा। ये तो अभी ये छोटा वाला उ भी आ गया इसकी जोड़ी में। ये सुनो, ये एक ही घर के मेहमान है। यस जैसे कि हम घरों में रहते हैं हमारे, ये सुनो रहते ना हम भी, हमारा भी एक छोटा सा घर होता है, तो हम जैसे घर में रहते ना उसी तरीके से ये भी एक घर है। यस तो ये हो गया ऊ। कौन हो गया ऊ? अभी ऊ के बाद कौन सा आएगा चलो बताओ। बड़ा ऊ। आ वाला ऊ, वेरी गुड, ये आ गया हमारा बड़ा वाला ऊ। सही है ना, सही है ना? यस। अभी इसके बाद कौन सा आएगा? ये ऊ है, ऊ के बाद कौन सा आएगा? अभी रू आएगा। ओके ये आ गया हमारा रू। तो रू से कौन से शब्द आते हैं बताओगे आप? कौन से शब्द आते हैं रू से? ऋषि। ओके उसे ना ऋषि बोलो, ऋषि, क्योंकि ऋषि यह हम प्रोनाउन जब करते हैं ना उच्चार, तो यह मराठी में हो जाता है ना। ऋषि यह मराठी में कहते हैं हम, और ऋषि यह हिंदी में कहा जाता है। ओके बेटा तो ये हो गया हमारा री। इसके बाद क्या आएगा? यस जल्दी जल्दी जल्दी। यस ए। ओके ये ए आ गया है ना, ए आ गया। इसके बाद ए। अभी हम ना ए करने के लिए इसे ही यहाँ पे हमें डंडी देनी पड़ेगी ऊपर, है ना, ए के लिए। अभी हमारा घूमने के लिए चला गया है, तो ये है ए। ओके तो उसके बाद आता है, यस उसके बाद क्या आएगा ए के बाद? ओ। आ गया हमारा ओ, आ गया। यस ये हमारा ओ है, और ओ से आने वाले शब्द कौन से हैं बताओगे मुझे? ओ से आने वाले शब्द, यस बताओ। चलो बोलो बेटा जल्दी से जल्दी से, हमें आगे भी पढ़ना है। कौन सा आएगा? यस ओ आएगा। यस वेरी गुड, मनस्वी को मनस्वी। ओ क्या आएगा? ओ है ना। अभी मुझे बताओ कि ये जो फ्लावर है, ओके ये एक ही गमले के फ्लावर है ना, एक ही गमले के फ्लावर है, बट इसमें से ना दो फ्लावर मिसिंग है, अभी भी दो फ्लावर मिसिंग है। कौन से होंगे वो दो फ्लावर? यस ये सब फ्लावर है ना, दो फ्लावर अभी भी मिसिंग है इसमें से, अभी आम और आहा, वेरी गुड। ये हो गया हमारा अम, और ये हो गया हमारा आहा। अम और आहा यह जो दो फ्लावर है ना, ये कुल मिला के सब हमारा हो गया एक फ्लावर पॉट। ओके फ्लावर पॉट में देखते ना हम फूल रखते कि नहीं, है या नहीं? फ्लावर पॉट के सब फूल हो गए। तो अभी हमें आज हमें क्या पढ़ना है आपको पता है? अम और आहा। आज क्या पढ़ना है हमें? दो स्वर हमें कौन से पढ़ने हैं आज? अम और आहा। वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने भी घर बैठे हुए अच्छे से आंसर दिया है, मुझे पता है कि आप अच्छे से आंसर दे रहे थे, और आपको भी वेरी गुड, आपने भी अच्छे से आंसर दिए। म्यूट करो बेटा। यस म्यूट योरसेल्फ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, वो जब
अपने पंख फैलाकर नाचता तो उसके पंख बड़े चमकते थे, सुनहरे लगते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगारा। अंगारा। अंगारा बड़ा प्यारा मोर था, सब उसको बहुत प्यार करते थे। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। बंदर बहुत शैतान था, सबको तंग करता था, सबकी चीजें उठा ले जाता था। उस बंदर से सब परेशान रहते थे। बंदर हमेशा सोचता था, इस अंगारा को मैं कैसे तंग करूं? एक दिन अंगारा मोर ने देखा कि एक जगह बहुत सारे अंगूर अंगूर लगे हैं। अंगारा मोर ने ढेर सारे अंगूर तोड़ लिए। पियू पियू, अरे मेरी दीदी अंगूरी अंगूरी इन अंगूरों की चटनी बहुत अच्छी बनाती है, और वो भी खास तौर पर खट्टे अंगूरों की। कितने खट्टे हैं, ये वाला खाता हूँ, ये तो कितना मीठा है, स्वादिष्ट है। अंगारा मोर ने ढेर सारे अंगूर तोड़ लिए और उन्हें अपने थैले में डाल लिए। अंगारा ने थैले को अपने पंजे में पकड़ लिया। थैला पकड़कर जैसे ही वो उड़ने लगा, बंदर ने मोर के ऊपर छलांग मार दी। मगर ये क्या हुआ, मोर तो उड़ गया और बंदर गिर गया कीचड़ में। उसके सारे अंग में कीचड़ लग गया। अंगारा मोर बंदर के पास आया और बोला, पीव पीव, अरे बंदर भाई, उठो उठो, चलो मेरे घर चलो, मेरे घर में अंगराग रखा है। अंगराग मतलब उपटन रखा है। मेरी दीदी अंगूरी हल्दी चंदन से बनाती है ये अंगराग। तुम उस अंगराग से मल मल कर नहाना, तुम एकदम साफ हो जाओगे। और एक बात और बताऊं, मेरी दीदी अंगूरी खट्टे अंगूर की चटनी बनाती है, बड़ी स्वादिष्ट, बड़ी ही चटपटी। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तुम भी उस चटनी को खाना, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। साथ में पूड़ी भी खाना, वो मैं बनाऊंगा। चलो चलो आओ मेरे घर चलो, जल्दी चलो। ठीक है चलो। बंदर मोर के घर गया। वहां बंदर ने पहले पानी से अपनी कीचड़ हटाई, फिर अंगराग से मल मल कर नहाया। जब वो नहा धोकर अंगोछे से अपने अंगों को पोंछ कर तैयार होकर बाहर आया, तो उसने देखा कि अंगारा मोर तीन थाली तीन कटोरी सजाए बैठा है। वो कह रहा था, पीव पीव, अंगूरी दीदी मैंने पूड़ी बनाकर रख दी है, खट्टे अंगूर की चटनी बनने में कितनी देर है दीदी, बड़ी भूख लगी है। अंगूरी दीदी कहती है, मैंने खट्टे अंगूर की चटनी बना दी है, बस मुझे अंडे उबालने हैं। पूड़ी के साथ उबले अंडे और अंगूर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। 2 मिनट और रुक जाओ अंगारा, अंडे बस उबलने ही वाले हैं। बस अंगीठी पर 2 मिनट और पकाना होगा। अंगूर की चटनी की खुशबू से बंदर के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सारा खाना खुद ही खा जाऊं, मेरा पेट भी भर जाएगा और अंगारा और अंगूरी दोनों परेशान भी हो जाएंगे। वो लपका उस बर्तन पर जिसमें अंडे उबल रहे थे। जैसे ही बंदर कूदा, अंगीठी लुढ़क गई और अंगीठी के अंगारों अंग
अंगारों से बंदर का अंगूठा अंगूठा जल गया। वो दर्द के मारे खूब चिल्लाने लगा, अरे मेरा अंगूठा जल गया, अरे मेरा अंगूठा जल गया, अंगारा भैया, अंगूरी दीदी, बचाओ मुझे, बचाओ। फिर अंगारा मोर और अंगूरी मोरनी ने बंदर की खूब सेवा की। वो उसे डॉक्टर के पास ले गए, दवाई लगाई, उसको खाना खिलाया और कहा, पीव पीव बंदर भैया, लेटे रहो लेटे रहो, ये लो दवाई पियो, पीव पीव, मैं तुम्हें मरहम लगाती हूँ, चिंता मत करना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इस तरह थोड़े ही दिनों में बंदर एकदम भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। अब वो बंदर किसी को तंग नहीं करता था, सबका अच्छा दोस्त बन गया था, बहुत अच्छा बंदर बन गया था। तब बंदर बाजार से दो अंगूठी अंगूठी खरीद कर लाया और बोला, अंगारा भैया ये लो, मैं दो अंगूठी लाया हूँ, एक आपके लिए और अंगूरी दीदी एक आपके लिए। लेकिन अंगूरी दीदी मुझे खट्टे अंगूर की चटनी बनाना जरूर सिखा देना। अंगूरी मोरनी बोली, अरे भैया बंदर, सिखा तो दूंगी, पर फिर से अंगीठी के अंगारों से अपने अंग मत जला लेना। तो बंदर बोला, अरे नहीं नहीं, अरे समझ गया समझ गया, अब गलती नहीं होगी। अच्छी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे अंग स्वर की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। अंगारा, अंगूर, अंगूरी, अंग, अंगराग, अंगोछा, अंडा, अंगीठी, अंगारे, अंगूठा, अंगूठी। ये सारे शब्द स्वर अंग से बने हैं। स्वर अंग हिंदी वर्णमाला का 12वां स्वर है। धन्यवाद। ओके, सो सबने देखा ना कि अंग से कौन कौन से शब्द आते हैं। यस और नो? यस। तो अभी हम क्या करेंगे, अंग से आने वाले शब्द पहले देखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। ओके, सो अभी फिर से मैं क्या करती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करती। ओके, यू लाइक दिस सॉन्ग, वेरी गुड। तो ये सॉन्ग नहीं है, ये क्या था, अंग से आने वाले शब्द थे उसमें, फिर उसके बाद वो कहानी थी, अंग की कहानी थी। तो कहानी में अंग से आए हुए सब आपको क्या दिए हुए थे, शब्द दिए थे। और उसके जैसे कि अभी यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये पहला क्या है, अंगूठा। अभी चलो सब लोग अपना थंब, शो मी योर थंब, थंब दिखाओ, चलो। तो उसे क्या कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूठा। तो अंग से क्या आता है, अंगूठा, अंग से अंगूठा, दिखा के बोलना है ऐसे, अंग से अंगूठा, अंग से अंगूठा, है ना, है कि सबके पास। और अंगूठे को क्या कहते हैं फिर, थंब कहते हैं, थंब, टी एच यू एम बी, थंब। ओके, तो फिर हम आगे जाते हैं, अंगूर, अंगूर सबको पसंद है, ग्रेप्स पसंद है या नहीं पसंद है, अभी आपको पता है। यस, तो आपको पता है ना कि अभी कौन सा मौसम था, पहले, इसके पहले, इसके पहले अंगूर बहुत ढेर सारे अंगूर आते थे, है ना। और आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा था कौन से शहर से अंगूर आते हैं हमारे यहाँ। चलो चलो आंसर दो मुझे, फटाफट से आंसर देने हैं। हमने एक पोयम पढ़ी थी, मराठी में एक पोयम पढ़ी थी, जो कि उसमें हमें बोला गया था। ओके 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 ओके, तो अभी हमें एक पोयम पढ़नी है अभी मराठी में। तो वहां पे क्या दिया है पता है आपको, क्या वहां पे दिया है कि कौन से शहर से अंगूर आते हैं। आपको अगर पता होगा तो बताइए। यस, कौन से शहर से अंगूर प्रसिद्ध है, जहां से हमें अंगूर खाने के लिए मिलते हैं, अंगूर आते हैं हमारे यहाँ खाने के लिए,
नासिक। अरे वाह दीक्षा, आपको पता है नासिक, नासिक यह जो शहर है ना हमारे पास से ही है। तो उस शहर से हमें अंगूर खाने के मिलते हैं, मीठे मीठे और खट्टे खट्टे भी होते हैं वह। वेरी गुड। तो अंग से क्या आता है फिर? अंगूर। अंग से अंगूर बोलना है, अंग से अंगूर। और अंगूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेप्स कहते हैं। ग्रेप्स है ना, GREPES, ग्रेप्स। ओके, तो अंग से अंगूर। और एक, और एक है अंग से अंजीर। अंजीर यह फल होता है, अंजीर यह भी एक फ्रूट्स होता है। खाया है कभी किसी ने? यस, अगर आपने खाया है तो फिर आपके नाम के सामने ग्रीन टिक करनी है, जल्दी से ग्रीन टिक करनी है। आपने अगर अंजीर खाया है तो ग्रीन टिक करो। तो अंग से क्या आता है? अंजीर। अंग से अंजीर। और अंजीर को क्या कहते हैं? FIG, फिग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिग, FIG। ओके, तो फिर हमने अभी तक क्या क्या देखा? अंग से, अंग से क्या क्या देखा? अंगूर। अंग से क्या देखा? अंगूठा। और अंग से हम आगे क्या देखने वाले हैं? चलो, कल संडे था, यस ओर नो? कल संडे था, तो इतवार के दिन, इतवार, ई से इतवार, हमने पढ़ा था ना, ई से इतवार, यस ओर नो? तो ई से इतवार, इससे हम, इस दिन हमने क्या खाया? अंडा खाया, नहीं खाया, यस ओर नो? वी सावंत, वी सावंत, व्हाट इज दिस? ई से इतवार, इतवार को हमने अंडा खाया है ना। अंडे खाते हैं हम, क्यों खाते हैं अंडे? क्योंकि हमें प्रोटीन्स मिलने के लिए, हमें ताकत मिलने के लिए हम अंडा खाते हैं। ये सुनो, अभी कई कई लोग अंडे नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन रहते हैं तो अंडा नहीं खाते हैं, ये सुनो। बट जो लोग खाते हैं ना, वो हम क्या करते हैं? इतवार, या तो फिर हम, वो गाना हमें पता है, वो गाना आपको पता है कि संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे, ये सुनो। तो अंडा यह जो शब्द है ना, यह जो शब्द है उसके आगे अंग, कौन सा स्वर जुड़ा है? अंग, अंडा, अन, अंडा। और अंडे को क्या कहते हैं? एग कहते हैं, एग। क्या कहते हैं? एग, EGG, एग। अभी आगे जाएंगे हम, अभी जो आहा स्वर है हमारा, आहा, आहा स्वर जो है ना, तो आहा स्वर विसर्ग होता है, यानी विसर्ग। आपने मराठी में पढ़ाया था ना विसर्ग मैंने, कि अगर किसी शब्द का विसर्ग हो रहा है तो आहा यह मात्रा लगती है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यस मैं भी दिखाती हूँ आपको। अभी यहाँ पे कैसे लिखा है? इस तरीके से लिखा है, डॉट दिए है पीछे। तो इस तरीके से हम स्वर नहीं लिखते, वो हम इस तरीके से स्वर कहाँ पे नहीं लिखते, वो किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने दुख शब्द, दुख, ये मैंने लिख दिया, दो को उकार, फिर उसके बाद मुझे दुख लिखना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं आहा स्वर की मात्रा लगाऊंगी, पहले आहा लगाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ख लिखूंगी, तो ये क्या हो गया? दुख। क्या हो गया? दुख। तो कहाँ पे? यहाँ बीच में ये मात्रा लगी है, ये सुनो। तो अभी ये जो मात्रा आप पढ़ोगे ना, मात्रा आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, यानी सेकेंड, जब सेकेंड स्टैंडर्ड में जाओगे तब। तो अभी एक अपना ओनली हमें स्वर पढ़ना है, हमें क्या कर पढ़ना है इस ईयर? ओनली स्वर पढ़ना है। तो आहा, ये सुनो, ओके। अभी यहाँ पे नमः, यहाँ पे हमने नमः लिखा, नमः, तो नमः को भी पीछे लगता है, नमः है ना। नमः जब हम लिखते हैं तो नमः के भी पीछे क्या लगता है? अस्वर, ओके, सॉरी आहा। तो ये आहा की मात्रा भी आप सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, इस तरीके के जो शब्द है आप सेकेंड में जाने के बाद ही आप पढ़ पाओगे, ओके। तो अभी यहाँ पे दिया है, यस, अभी मेरे हाथ में ये क्या दिखाई दे रहा है आप सबको? यस, ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या है ये मेरे हाथ में?
यस बताओ। चलो चलो चलो, मैं कुछ तो आपको थिंग दिखा रही हूँ। अभी मैं बहुत सारा दिखा सकती, पर अभी यहाँ हूँ ना तो मैं एक दिखाती हूँ आपको। अंग से है ये, अंग से क्या है मेरे हाथ में ये। यस, अभी जो अंग कौन था कहानी में, क्या नाम था उसका, जो मोर था ना, तो मोर को जो मंकी था है ना, मोर को जो बंदर था, बंदर ने क्या दिया था, उपहार, उसे उपहार, उसे उपहार दिया था क्या, नहीं ऐसा नो, तो उसे उपहार क्या दिया था बंदर को। यस, कौन बताएगा। अंगूठी, वेरी गुड। मेरे हाथ में ये क्या है, अंगूठी है। तो अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी को जो शब्द है, जो शब्द है अंगूठी का, तो अंगूठी का शब्द भी अंग से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, अंग से। ओके, अभी यहाँ पे हमें ये कविता पढ़नी है। क्या पढ़नी है, कविता जो साइंस की है। चलो मेरे पीछे आप सबको बोलना है, मैं दो बार दोहराती हूँ, फिर मेरे पीछे बोलो आप। चलो, अंग से अंजीर, बोलना है हाँ, अंग से अंजीर, अंग से अंगूर, अंग से अंजीर, अंग से अंगूर, कैल्शियम इसमें भरपूर, कैल्शियम इसमें भरपूर, अंग से, अभी यहां पे शब्द, अंग से अंजीर, अंग से अंगूठा, अंग से अंगूठी, उसके बाद अंग, अंग। अगर आपको कहा गया शरीर के अंगों के नाम लिखो, तो वहां पे अंग शब्द आया ना, ये सुनो, अंग, शरीर के अंग, तो अंग, अंग यह जो शब्द है उसकी शुरुआत भी कौन से स्वर से हुई है, फिर अंग से। कौन से स्वर से हुई है, अंग से। तो आहा, अभी आहा का देखो, आहा, आहा, हा हा, बच्चे हंसते हा हा, बच्चे हंसते हुए कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पे जो हा दिया है ना, तो हा के पीछे भी क्या है, टू डॉट्स दिए हैं, जैसे कि आहा है ना, वहां पे टू डॉट्स दिए हैं, विसर्ग दिया है, वैसे ही उस प्रकार से हा के पीछे दिए हैं। ये सुनो, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा क्या हो चुका है, स्वर, स्वर हमारे पूरे पढ़ के हो चुके हैं, अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अंग और आहा। अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। हम क्या करेंगे, अब